फ्रेंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मनोज कुमार, बेसिकली मैं भागलपुर बिहार से हूँ। आज मैं थोड़ा अपनी जर्नी की बात करूंगा। वेस्टीज से पहले मेरी जर्नी क्या था दोस्तों? मेरा नाम मनोज कुमार, बेसिकली मैं भागलपुर बिहार से हूँ। वेस्टीज से पहले दोस्तों मैं जो लाइफ था वो ऐसी लाइफ था कि जिंदगी में भगवान ना करे किसी को दे। मैं जब 13 साल का था तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 5वीं क्लास तक मैं पढ़ा लिखा और इसके बाद मैं खेती करने में खूब काम करना चालू कर दिया, पर वहां पर भी सफलता नहीं मिली। 3 साल मेहनत करने के बाद भी दाल रोटी मेरा नसीब नहीं था। फिर हमने ट्रक पे कॉन्डक्टरी काम करने का काम शुरू कर दिया, रेत उठाने का काम शुरू कर दिया और ईंट के भट्टों पे जाके काम किया। शादी जल्दी हो गई थी, 2 बेटियां हो गई थी, तो लाइफ में जिम्मेदारियां मेरे पास में आई। फिर मैंने कपड़े का दुकान स्टार्ट किया, जमीन वमीन बेच के कपड़े का दुकान शुरू किया, पर 8 लाख रुपए कर्जे में था। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। दिल्ली दोस्तों फिर वापिस आया, दिल्ली के अंदर में बहुत सारा काम किया, ट्यून का काम किया, बिजली का काम किया और 4-5-6 हजार रुपए महीने तक की इनकम पहुंचा। 2012 में मेरे जीवन में डायरेक्ट सेलिंग आया, नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आया। संतोष यादव जी से जब मेरी मुलाकात हुई, जब वो वेस्टीज बता रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बता रहे थे कि 21वीं सदी के अंदर में एक ऐसा व्यापार है हिंदुस्तान के अंदर में, आम आदमी अब करोड़पति बन सकता है। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता था पैसा है तो पैसा बना सकते हैं, डिग्री है तो पैसा बना सकते हैं, पर बगैर पैसा लगाए हम लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैंने वाइफ का नाम दिया, इसके बाद मैं भाग गया। 15 दिन तक मुझे फॉलो करता रहा, उनका फोन नहीं उठाता था। एक दिन उनसे बात हुई, मुलाकात हुई, इसके बाद फिर इस चीज मुझे समझ में आया, काम करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंजेस रहा अपने जीवन में। चैलेंजेस ये था कि 2011 तक मेरी जिंदगी के अंदर में बहुत सारे चैलेंज, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई पैसों की वजह से, मेरी वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो गई। 2011 फाइनली जहर का सीसी लेकर आया अपने आप को सुसाइड करने के लिए, बच्चों को सुसाइड करने के लिए। दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ा, पर उसी समय कहते ना भगवान आपके साथ जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। एक रास्ता बंद हो गया था लेकिन दूसरा रास्ता मेरे सामने में था। संतोष यादव जी ने मुझे वेस्टीज बताया था, काम करना शुरू किया। लोगों ने मजाक बनाया, लोग ऐसे ऐसे बात करते थे, लोग मेरा नाम पहले से करोड़पति रख दिया था, लोग मेरा नाम नोनी रख दिया था और लोग मजाक बनाता था। अपने नियर एंड डियर जितने भी लोग था वो भाग जाते थे, लोग छुआछूत की बीमारी उस समय हमें समझता था। लेकिन वेस्टीज के अंदर में मैं लगातार काम करना शुरू किया, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। मुझे पता था कि ना सुनने के वेस्टीज पैसे देती है और मैं लगातार लोगों का ना सुनता रहा। उसी में कुछ लोग हाँ करते गए और आज मैं इस बिजनेस के अंदर में यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आज मेरी एवरेज इनकम यहाँ से 4-4.25 लाख रुपए महीने की इनकम है। अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अभी तक लगभग 2.5 करोड़ रुपया मैं इस बिजनेस से कमा चुका हूँ और आज मैं टाइम फ्रीडम हूँ, आज मैं मनी फ्रीडम हूँ, आज मैं मेरी फैमिली की सिक्योरिटी है, आज मैं रिटायर हूँ। मन करता काम करता हूँ, मन नहीं करता है। लॉकडाउन 4 महीना रहा, इस 4 महीने के अंदर मैं पूरा दिन घर में बंद रहा दोस्तों, पर मेरी इनकम कभी बंद नहीं हुई, लगातार इनकम बढ़ती चली गई। और आज अगर मैं बात करूँ तो मैं 18 साल से मुझे कोई किराए का मकान नहीं दिया करता था, पर आज इस बिजनेस के अंदर मैं लगभग 1 करोड़ का घर ले चुका हूँ, 3 गाड़ियां ले चुका हूँ, 15 विदेश यात्रा कर चुका हूँ। आज मेरी 5 बेटियां हैं, 5 बेटियों की लाइफ स्टाइल काफी अच्छा है, आज अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। और मेरी बड़ी बेटिया जो है वो लॉ कर रही है, उससे छोटी बेटिया ग्रेजुएशन कर रही है, बाकी सभी बच्चे हमारे खूब एजुकेशन ले रही है। दोस्तों मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं गरीब था, गरीब पैदा मैं जरूर हुआ था दोस्तों। आज वेस्टीज बिजनेस ने हमें मौका दिया और आज अपने बच्चों को कभी गरीब नहीं रहने दूंगा, ये वेस्टीज बिजनेस का कमाल है। मैं एक चीज कहूंगा, दुकान बदल के अगर करोड़पति बनने का मौका मिलता है तो क्या करना चाहिए, दुकान बदलिए अपने जिंदगी के अंदर में। मैंने एक चीज समझा, मेरा पिताजी मेरे दादाजी पूरी जिंदगी किसी न किसी दुकान से राशन खरीदा, पर एक पैसा उनके दुकान उनके पास नहीं पहुंचा। और इसी काम को करते हुए अगर लाखों रुपए महीने कमाने का मौका मिलता है दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा कि 21वीं सदी का व्यापार है, इसको जल्दी से समझ लीजिए, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उस स्टोरी के साथ आपको अच्छा लगेगा। एक मेढक की कहानी है, मेढक अगर आप उबले हुए पानी में अगर आप मेढक को डालते हैं तो मेढक कूद के भाग जाता है, क्योंकि मेढक को वो बर्दाश्त नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों वही मेढक को अगर आप ठंडे पानी में पतीले में डाल दीजिए, नीचे से गैस जलाइए, तो उस मेढक देखिए क्या करता है। पानी जब थोड़ा गर्म होता है तो वही मेढक अपने आप को
एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा और पानी गर्म होता है तो वो एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा पानी और गर्म हो जाता है तो वो एडजस्ट करता रहता है, धीरे धीरे पानी वो उबलना शुरू हो जाता है। जैसे वो पानी उबाल पे आता है वैसे वो मेंढक फैसला करता है कि अब इस पानी से मुझे कूदना है, लेकिन जब वो फैसला करता है तो बहुत समय हो जाता है, तो बहुत टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेंढक छलांग नहीं मार पाता है और मेंढक उसी कदम में खत्म हो जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, वो मेंढक को किसने मारा? गर्म उबलता हुआ पानी ने मारा या मेंढक की सोच ने मारा? दोस्तों आप बिल्कुल कहेंगे वो मेंढक की सोच ने मारा। दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम आम इंसान है, जब महंगाइयां बढ़ती चली जा रही है, परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, लोगों को नौकरियां खत्म हो रही है, हमारे पास इनकम खत्म हो रहा है, इसके बावजूद भी आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम परेशान हैं, नौकरी करके परेशान है, छोटा मोटा व्यापार करके परेशान है, हर जगह पर लोग परेशान है, इसके बावजूद भी वेस्टीज बिजनेस के अंदर में जब बताते हैं लोगों को तो वो कहता है हम सोचते हैं, हम पूछ के बताते हैं। दोस्तों लाइफ आपकी है, आप बच्चे आपके हैं, फैमिली आपकी है, डिसीजन आपको लेना है, मेंढक की तरह जिंदगी को खत्म करना है या फिर मेंढक की तरह आपकी जिंदगी में भी बहुत सारी चीजें मेंढक से हम सीख सकते हैं। तो समय रहते दोस्तों अभी 1,00,000 रुपए महीने की आज नीड है हम आम इंसान को, आने वाला 10 साल के अंदर भी ये महंगाई और बढ़ती चली जाएगी, इनकम और हमें और चाहिए होगा, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। दोस्तों राइट समय है, इस समय 21वीं सदी का बिजनेस, आज भारत सरकार ने 20 जुलाई से अपने आप डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को शामिल कर लिया है अपने उसके अंदर में, तो आप अपने आप को तैयार करिए, नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए दोस्तों राइट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।